What if I go stronger? What if I get higher? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले दुनिया के पहले थीम विलन के बारे में, जो कि खुद सेंटा क्लॉज। ये बात जरूरी नहीं कि आप क्रिश्चियन हो तभी सेंटा क्लॉज के फैन हो, क्योंकि हर चाइल्डहुड में हर बच्चा ये बात कभी ना कभी सोचता है कि रात को क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आएगा और उसके बेड के नीचे या फिर उसके घर के पीछे कहीं पर गिफ्ट रख के चला जाएगा। लेकिन ये बात बहुत ही अलग थी जब टीन टाइटन गो के एक कार्टून सीरीज में सेंटा क्लॉज के एक विलन के रूप में दिखाया गया था, और इसका बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, क्योंकि सेंटा क्लॉज कोई विलन है बल्कि एक हीरो है और वो किसी भी तरह के लालच में नहीं आता, या फिर सेंटा क्लॉज को कोई लालच है ही नहीं जिसके वजह से उसको विलन दिखाया जाए। लेकिन टीन टाइटन गो के अंदर ये बात बिल्कुल अलग तरह से साबित हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सेंटा क्लॉज बहुत ही ज़्यादा लालची था हॉलोविंस का, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सेंटा क्लॉज का एक पूरा विलन रूप ही सामने रख दिया, जो कि पहले स्टार्टिंग में तो लोगों को अच्छा नहीं लगा लेकिन बाद में लोग इसे पसंद करने लगे। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले थे। सेंटा क्लॉज की शुरुआत टीन टाइटन गो के अंदर हैप्पी क्रिसमस के डेब्यू पार्ट के साथ हुई थी, और आगे से आके ये पार्ट कन्वर्ट हुआ सेवर्स क्रिसमस के अंदर, जहाँ पे सेंटा क्लॉज किडनैप हो जाते किसी के हाथों और बाद में उसे टीन टाइटन गो बचा लेते, और इसी के साथ सेंटा क्लॉज और टीन टाइटन गो की पहली मुलाकात भी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से एपिसोड आगे बढ़ते गए तो वहाँ पे एक एपिसोड आया जिसका नाम था हॉलोवीन वर्स क्रिसमस, जिसके अंदर हमें सेंटा क्लॉज के एक अलग ही वर्जन या फिर एक अलग ही रूप देखने को मिला, जो कि था विलन का। दोस्तों सेंटा क्लॉज बहुत ही यानी कि पूरी दुनिया में ज़्यादा फेमस है, इसलिए टीन टाइटन गो और सेंटा क्लॉज के बीच में कोई भी बड़ी फाइटिंग नहीं दिखाई गई, उसके अंदर सिर्फ बातें होती है और सेंटा क्लॉज के साथ छोटे मोटे झगड़े होते हैं। इस इसके अंदर सेंटा क्लॉज का सिर्फ एक ही मकसद है, जिसका है कि पूरे हॉलीवुड के ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लान के तरह से उनके ऊपर कब्जा करना, जिसके वजह से वो हर साल क्रिसमस मना सके या फिर पूरे वर्ष भर में वो हर वर्ष हर त्यौहार के जगह पे क्रिसमस ही मना सके और लोग सिर्फ क्रिसमस की बातें करें। तो इसके माध्यम से ये बात कहना चाहते कि दुनिया के अंदर सिर्फ क्रिसमस ही एक सन नहीं है, वो अलग अलग तरह से भी मनाए जा सकते हैं और अलग अलग त्यौहार भी इसके जगह पे मनाए जा सकते हैं। बात ये क्रिसमस की है तो ये सिर्फ यूके और यूएस में लागू होते और टीन टाइटन गो भी वहाँ पे निकले थे, तो वहाँ पे दिवाली या फिर दशहरा के अलग अलग त्यौहार ना होते हुए क्रिसमस और हॉलोवीन के नामक दो या तीन ही त्यौहार मनाए जाते हैं, और इसी के साथ ये विलन भी पैदा हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते हम ही देखते हैं कि टीन टाइटन गो के अंदर एक नहीं तो बल्कि तीन सेंटा क्लॉज है। पहला सेंटा क्लॉज जो कि है ओरिजिनल और वही इविल सेंटा क्लॉज भी है। दूसरा है सेकंड सेंटा क्लॉज, जिसको सेकंड सेंटा क्लॉज भी कहा गया था, और इसके बारे में टीन टाइटन गो में ये बताया गया कि सेंटा क्लॉज यानी कि क्रिसमस खत्म होने के 5 दिन के बाद सेकंड सेंटा आता है, उन्हें जो गिफ्ट चाहिए वो दे के चला जाता है, और ये अपने पेशन किसी को भी नहीं बताता और ये जेट पैक के साथ ही उड़ना पसंद भी करता है। और तीसरा सेंटा क्लॉज आता है हमारा खुद का रॉबिन। सेवडे क्रिसमस में जहाँ पे सेंटा क्लॉज किडनैप हो जाते हैं तो रॉबिन खुद सेंटा क्लॉज बन के अलग अलग लोगों को अलग अलग गिफ्ट पहुँचाता है। वहाँ पे कुछ तकलीफें और कुछ मनोरंजन की बातें भी होती है, लेकिन रॉबिन ये तीसरा सेंटा क्लॉज उभर के सामने आता है। इसी के साथ एक फैक्ट ये भी आता है कि दर्शकों ने पहले कह दिया कि हम इस सेंटा क्लॉज को यानी कि इविल सेंटा क्लॉज को कार्टून में तो देख लेंगे, लेकिन हम सेंटा क्लॉज को इविल के रूप में लाइव एक्शन मूवी या फिर किसी भी एनिमे या फिर किसी भी ब्रूटल जगह पे नहीं रखेंगे जहाँ पे खून खराबा हो। इसी के साथ हमें ये तो पता चल जाता है कि सेंटा क्लॉज सिर्फ यात्रा के सीमित है, या फिर क्या पता जिसे इसका कॉपीराइट भी खरीद सकते हैं जैसे थॉर और बाकी देवताओं का खरीद लिया है। तो ये बात थी दुनिया के पहले थीम विलन के बारे में, जो कि था सेंटा क्लॉज। शायद हमें इस तरह के थीम विलन आगे भी देखने को मिले या फिर इसका फिर से विरोध प्रदर्शन भी हो, लेकिन हमें इतना तो है कि हमें इविल सेंटा क्लॉज पसंद तो है लेकिन सिर्फ कॉमेडियन के अंदाज में। हम इसके बारे में कोई भी ब्रूटल राय नहीं देना चाहते या फिर किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, ना ही मैं इस वीडियो से पहुँचाना चाहता हूँ, ना ही जिससे आपने उस विलन के माध्यम से पहुँचना चाहते, ये सिर्फ एक एंटरटेन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ बुरा लगा तो हेट करके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू।